हमारी कमजोरी, हमारी शराफत को चौराहे पे मजाक मत बनाओ। बार बार मत जगाओ कि 800 साल मुसलमानों ने हमारे ऊपर खून किया है। यह सनातनी के अगर कान में चला गया और उसको समझ आ गया कि 800 साल बार बार यह आदमी बताता है कि हमारे गुलाम रहे हैं, हिंदुओं की औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं और हिंदू मर्द तो हमारा सिर्फ नौकर था और हमारी गंदगी साफ करता था, यह सनातनियों की समझ में आ गया तो एक तो अभी कानून से लिया है, पूरे 30,000 वापस लेंगे, ध्यान रखना। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, हमने तो फिर भी कोर्ट के माध्यम से शुरू किया है। जिस दिन पागल हो गए हम, तो मथुरा भी आएगा और काशी भी आएगी और 30,000 आएंगे और फिर बताएंगे कि तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मत बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए, सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। तुम जिन जगहों का हवाला देते हो, ईरान 77 से पहले क्या था, तुमने क्या बना दिया? और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीबोगरीब हैं। तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई है कि 47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो, उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला तब तुम्हें पता चला कि यहां तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज यह कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पर हो आज भी वो टैप बंद कर दें तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। चटाई और लोटा लेकर के अल्लाह को याद करने से कुछ नहीं होता। और आप इतने मक्कार हैं, इतने बुजदिल हैं, आपका ईमान तो उस दिन पता चल गया कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन आपका दिल धड़कता है फलस्तीन के मुसलमान के लिए, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर फलस्तीन के मुसलमान के लिए भारत की सरकारों पे दबाव बनाया जाए कि साहब फलस्तीन के हकों की, उनके मदद, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम इसराइल से संबंध नहीं रखना चाहिए, आपने भारत की बौनी सरकारों के सामने दबा दिया होगा, डरा दिया होगा कि भारत की सरकार इसराइल के साथ संबंध न रखे क्योंकि आपको तकलीफ होती है कि वहां जो आतंकवादी हैं, जो हमास है, जो इसराइल के लोगों से लड़ती है। आप मुझे बताइए, आपकी सारी ईमानदारी, साहब की ताकत कहां चली गई जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। कितने मक्कार मुसलमान हैं, ये जोकर नहीं जाता कभी। ये कहे हिंदुस्तान में खड़े होकर के कि ईरान के अंदर, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां से कहोगे यहीं से उठवा लेगा वो, एक लफ्ज नहीं बोले। आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया, केरला बन गया कोई मुसलमान नहीं बोला, एक अखलाक के साथ चंद गुंडों ने, चंद बदमाशों ने, चंद बेवकूफ लोगों ने र्यूमर के चलते या किसी गलत फहमी के चलते या थोड़ी देर के लिए मान लें किसी सही फहमी के चलते भी उसकी हत्या कर दी। इस देश की मेजोरिटी ने कहा यह गलत है, उसको सजा हुई, वो जेल में है। बेईमान मुसलमानों, मक्कार
कितने बौने और कितने छोटे हो तुम। तुमने क्या किया, 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जहां मुसलमानों का राज था, आपने उनकी पूजा पद्धति के कारण मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया, 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से मार के भगा दिया। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान, दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला, लिबरल मॉडर्न, बॉलीवुड से लेकर के आसाम तक, एक भी मक्कार मुसलमान नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि भारत की धरती के ऊपर यह कैसे हो सकता है, कैसे इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया, इनका कसूर क्या था, यह बताओ। एक नहीं खड़ा हुआ, चुपचाप हो गए, यह होने दिया। लेकिन बार बार बीच में निकल में आते, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपने फंडों को क्लियर रखें, किसी गफलत के शिकार ना हो। ये जो इस्लामिक आतंकवाद इस देश में है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, पॉलिटिकली इस देश में बढ़ावा दिया गया है, ये जो घर वापसी आप कहते हैं, घर वापसी तो होनी चाहिए, लेकिन ये वो घर वाली वापसी जिसमें आप बिजी हैं उसमें मैं बिजी नहीं हूं। यह घर वापसी 1947 से होना शुरू हो गई है, अभी 35A 370 गया है, मंदिर वापस आया है, अभी काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है, इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है, इसके बाद में एंटी कन्वर्जन भी आना है कि जिनकी किताब यह कहती है कन्वर्ट करो, उनका दिल भर जाए, इस बार इतना कन्वर्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे बिल तैयार हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, चुनाव के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव हार जाएं लेकिन राष्ट्र नहीं हारना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी, और आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूं, सनातन के परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की हिम्मत जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।